हेलो देवु मामा, एक शॉप तंग मत किया करो। वो डॉगू यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना प्यारा है। देवु हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज एक्चुअली ये वीडियो मेरा रहने वाला है एक जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि मैं जा रही हूँ हिमाचल अपने घर एक दो दिन के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे ना फिर डिसकनेक्टेड फील नहीं होएगा। और मैंने सोचा कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, लाइक मेरा यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं, न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे जानते नहीं अच्छी तरह से कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और शादी मेरी पंजाब में हुई है। तो बस गाइज़, एक दो दिन के लिए जाना पड़ रहा था। वैसे मैं अभी इस टाइम पर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली खुद आती है मेरे पास, सभी आते हैं, क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो दिवाली पे सारे लोग आते होते हैं, है ना। तो बस लेकिन जाना पड़ गया क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम था। तो मुझे लगा कि चलो यार, मैं हर तरह की व्लॉगिंग करती हूँ, जैसे कि मैं कभी ट्रैवल करती हूँ या जब मैं घर में होती हूँ तो मैं एक होम मेकर हूँ, तो उस तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं और मुझे क्या अच्छा लगता है ना। तो मैं वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी हॉबीज़ और घर की डेकोरेशंस, ये वो सारी चीज़ें। जो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ट्रैवलिंग के भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज भी मैं ये वीडियो बनाई लेती हूँ। तो डब्बू मैक्शू भी हमारे साथ जा रहे थे, क्योंकि वो जा रहे हैं अपने नानू नानी के घर, और नानू नानी के घर जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आना उनको सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको एक आज़ादी से घूमने का की जगह मिल जाती है और एकदम नेचर के बीच में आना, है ना। आप देख सकते हो माउंटेन्स आने शुरू हो गए हैं, और माउंटेन्स के बीच में छोटे छोटे मतलब विलेजेस, घर वगैरह दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये मेरे पहाड़ों वाला घर है और मुझे यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं बॉर्न ही यहाँ पर हुई हूँ, है ना। और वो सामने आप देख सकते हो कितना सुंदर सा विलेज दिख रहा है ना। तो ये मेरे पहाड़ों की शान है, और ये हमारी HRTC हिमाचल की बस, ये भी हमारे हिमाचल की शान है। तो मैंने सोचा एक क्लिप इसका भी बना लूँ, क्योंकि दूर से देखिए बहुत देखने में ये बहुत सुंदर लग रही थी। और गाइस, बस ये रास्ता आ गया है हमारे घर का, और ये वाला जो हमारे घर का रास्ता एकदम जंगल के बीच से होता हुआ जाता है, ब्यूटीफुल से पाइन ट्रीज़ हैं और उसके बीच में ये रास्ता बना हुआ है। पहले ये रोड बहुत कच्चा सा था, एकदम मडी मडी सा रोड था, लेकिन उसके बाद जब ये रोड अच्छी तरह से बन गया तो अब ये इतना अच्छा हो गया है कि कई बार जब मैं वेकेशंस में जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे पूरा टाइम वॉक वॉक करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और घर पहुँचते ही पहले सबसे मिले, और उसके बाद यहाँ पे मिलने के बाद, मम्मी पापा से मिलने के बाद, सबसे पहले तो चाय वगैरह बनती है, तो अभी बस हम लोग चाय वगैरह इन्जॉय कर रहे थे और हम आपस में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या था कि बस दो दिन का स्टे है हमारा, दो दिन के बाद हमने चले जाना है, और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा बेबी भी है हमारे घर में, है ना। तो इससे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मैं इसको बहुत मिस कर रही थी। ये मेरे ब्रदर का बेबी है और ये बहुत क्यूट सा है, ये रोज़ में से वीडियो कॉल पर तो बात करता है, लेकिन इसको देखने का ना बहुत मन कर रहा था। और गाइज़, बस चाय वगैरह पी ली थी हमने, और उसके बाद अभी शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे। तो अभी जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था ना, वो एक पहाड़ी सब्ज़ी है, बॉइल्ड वेजिटेबल, तो उसको फिर थोड़ा सा फ्राई करना होता है ना, तो हमारी तरफ वहाँ उसको पतरोड़े बोलते होते हैं पहाड़ी भाषा में। सो बस इसी तरह से कुछ खाना पीना भी चल रहा था, साथ में वो स्टीम हो रहे थे और डिनर की भी तैयारी साथ के साथ हो रही थी। ये डब्बू कहाँ से आई? डब्बू डब्बू मामा मोटू छोटू बंद करो, ठंड है। तेल तो गर्म ही नहीं किया आपने।
वो देखो नजर आ रही। हाँ ना, अरे वाह, मटर पनीर ने जलवा लगा दिया है ना। सच में बड़ा अच्छा है। फुली फुली सही होना चाहिए। सही है। अरे वाह, ठीक है। पहाड़ में फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स मैं बनाऊंगी जब आप आओगे ना। जब आप आओगे ना तो मैं बनाऊंगी। ठीक है। हाँ, ये तो दाल मखनी बन गई पूरी की पूरी यार। जिस दाल में मलाई जम जाए वो दाल अच्छी। तो गाइज़ अभी मैंने आपको फूड क्लिप्स दिखाए कुछ। जब भी मैं हिमाचल जाती हूँ तो अपने हिमाचल का खाना खाना ही पसंद करती हूँ। तो बस अभी डिनर करने का टाइम आ गया था, तो हमारे हिमाचल में जैसे कि चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने कहा कि चलो डिनर बन गया है तो सबसे पहले ये प्लेट पापा के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस बनाए थे जो कि हमेशा ही बनते हैं, साथ में राजमा और काली दाल बनी थी और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है राजमा और काली दाल खाना। तो और साथ में ये पत्रोड़े बनाए थे, ये अरबी के पत्ते होते हैं, इनको बेसन लगा के कुछ मसाला लगा के सबसे पहले स्टीम किया जाता है, उसके बाद स्टीम करने के बाद कट करने के बाद उसको एक फ्राई करके खाया जाता है। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, सुशी की तरह दिखते हैं ये, पर खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पहाड़ी वेजिटेबल है। और ये जो मटर पनीर बना था ना, कभी कभी हमारी धाम में बनते हैं, चंबियाली धाम में कई बार लोग बनाते हैं कई बार नहीं बनाते हैं, और ये बनाए थे अष्ट धातु के बर्तन में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये मेरे ब्रदर ने बनाया था। अष्ट धातु के बर्तन में कुकिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और मेरे पास भी अष्ट धातु और कुछ कॉपर के बर्तन हैं जिसमें मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, हेल्दी कुकिंग होती है। और हमारे घर में भी अष्ट धातु के बर्तनों में मदरा वगैरह बनाया जाता है जो कि चंबा का मदरा। और ये अगले दिन का सुबह सुबह का नज़ारा था हमारे घर के बाहर का। और डब्बू मैक्शू आ गए थे हमारे साथ वॉक करने के लिए। गाइस अभी मैं अपने घर के साथ ही वाला जंगल है वहाँ घूमने आई हूँ, तो मैं उसी को वॉक कराने। आवाज़ सुनो आप, सूदिंग एकदम। और ये वाला जो जंगल है ना हमारे घर के साथ वाला, ये बिल्कुल घर के साथ है। और वो उस तरफ जो बॉर्डर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है उस तरफ, बिल्कुल वो जो सामने माउंटेन दिख रहा है उसके अपोजिट साइड डोडा जम्मू इस तरह के एरियाज हैं, वो ही वाले एरियाज। और कुछ दिन पहले मैं कश्मीर होके आई हूँ, अब मैं अपने घर हिमाचल आई हूँ। की कर रहा है, इनको जंगल में घूमना बहुत पसंद है अपने पापा के साथ। इतनी अच्छी फ्रेश एयर है पाइन ट्रीज की, ओ गॉड बहुत अच्छी लग रही है। और ये आवाज़ें आ रही हैं ना इंसेक्ट्स की, ऐसा लगता है सारी टेंशन रिमूव हो जाती है, शांति से पीसफुली इनको सुनो तो। इस आवाज़ के आगे ना मुझे कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी लग्जरी, बड़ी से बड़ी आवाज़ चीज़ कोई भी पसंद नहीं आएगी। कोई मेरे आगे हीरे जवाहरात रख दे और ये, तो मैं ये चूज़ करूँगी। मैं आपको रियल के फ्लावर्स दिखाती हूँ, कितने ब्यूटीफुल है ना ये वाले फ्लावर्स एकदम जंगल में नेचुरल फ्लावर्स हैं। मुझे वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो ये वाले फ्लावर्स मैंने आर्टिफिशियल मंगाए हुए हैं क्योंकि वहाँ तो मिलते नहीं है ना गाइस, है ना, ऐसे रियल फ्लावर्स। तो मैं ना तरसती रहती हूँ, तो मैंने अपने घर के कॉर्नर में सेम यही वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स ऑनलाइन मुझे दिख गए थे, तो मैंने मंगा के लगा दिए। और आप ब्यूटी देख सकते हो यहाँ पे, ये कितना क्यूटू सा ऑरेंज बग बैठा हुआ है। और हम जब छोटे थे ना तो उस टाइम हम क्या करते थे, इसको हम हाथ में लेते थे और हम इस विश करते थे कि हम पास होंगे या फेल, है ना। तो जब ये उड़ जाता था तो हम कहते थे ये हम पास हो जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल है नेचर, कितनी ब्यूटीफुल है, देखो गाइस, है ना। मैं ऑलवेज़ प्रे करती हूँ कि नेचर हमेशा सेफ रहे, ब्यूटीफुल
हम नेचर से बहुत प्यार करें ना अगर, तो नेचर भी हमें रिटर्न में प्यार ही देगी गाइस। सारे जंगल में ना ये वाले इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं, वाओ। और मैं आपको माउंटेन दिखाती हूँ, यहाँ से सामने जो माउंटेन दिख रहा है वो है पीर पंचाल के माउंटेन्स। अभी स्नो कम रह गई है लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी पीर पंचाल रेंज, हिमालयन रेंज वाइट कलर की हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और हमारे घर के रूफ टेरेस से ये दिखते हैं माउंटेन्स। और यहाँ पे है कैलाश पर्वत। मणिमहेश की यात्रा करने के लिए भी हम लोग यहीं जाते हैं। और गाइज आप देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल जगह से बिलोंग करती हूँ, मैंने कैलाश पर्वत महादेव जी की जन्म मतलब अपनी मेरी जन्मस्थली जो है हिमालय पुत्री कहती हूँ मैं अपने आप को, इतनी सुंदर जगह में मैं बॉर्न हुई हूँ, है ना। तो मैं अपनी रूट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मैं अपनी रूट्स से बहुत प्यार करती हूँ गाइज। और कुछ दिनों के बाद जो ये वाले ट्रीज है ना सारे वाइट 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 हो जाएंगे क्योंकि स्नो जब गिरेगी। और मैं ट्राई करूंगी कि इस बार मैं स्नोफॉल में आऊं। और जो मेरा मेक्सो बेबी है पापा के साथ प्ले कर रहा, वो देखो स्टिक लेके घूम रहा है, मैं आपको इसकी हरकत दिखाती हूँ। कितना क्यूट बच्चा ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने नानू नानी के घर में। और मैं चाहती हूँ कि जब विंटर वेकेशन होती है ना तो मैं ट्राई करूँगी तब आऊँगी। तो इस बार स्नो में मैं सोच रही हूँ कुछ कैंपिंग करूँ, फूड बनाऊँ यहाँ पे, मतलब कुकिंग करूँ, ट्राई करूँगी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए गाइस, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे कि स्नोफॉल होती है, तो जब हम छोटे थे तो स्नोफॉल होती थी ना तो कई बार हम अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं लेते थे गाइस, हम तो बस ऐसे ही स्नो में चलते रहते थे। और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती थी, कितने कितने दिन घरों में बंद रहना, कॉलेज बंद हो जाते थे, स्कूल्स बंद हो जाते थे, और तब हमें इतनी वैल्यू भी नहीं होती, हमें लगता था कि हाँ क्या है। नेचर की वैल्यू आपको तभी होती है जब आप बड़े होते हो, पता लगता है कि नेचर भी कोई चीज़ है यार। लाइक छोटे होते हैं ना तो बच्चों का वाला दिमाग होता है, ठंड लगती थी क्या यार, इतनी ठंड हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब हम बड़े हो गए, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरे लिए ये सारी चीज़ें प्रीशियस हैं, मतलब ये सारी चीज़ें नेचर। जी आप ले लो प्लीज, भैया छोटी है, छोटी तो है लेकिन नहीं है, फिल है ना पूरी। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे है, हम कल शाम को पहुँचे थे और कल का वीडियो मैंने आपको अभी दिखा दिया पहले जो आपने अभी तक वीडियो देखा है। और अभी आज बस आज के दिन हमारा स्टे है और उसके बाद हमने कल चले जाना है वापस। और बस अभी अभी ना हमने प्लान किया कि चलो थोड़ी देर के लिए हम डलहौज़ी घूम के आते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे लाइक आउटिंग हो जाएगी, है ना, और कुछ हल्की फुल्की सी मंचिंग करके आते हैं। वैसे मुझे बाहर से मंचिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये था ना कि फिर क्योंकि मैं घर आई होती हूँ तो मुझे घर का खाना अपना पहाड़ी फूड मिक्स करके बनाते होते हैं जो, तो मैं मेरे को वो खाने का मन करता है ना, तो मेरे को और कुछ खाने का मन नहीं करता। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ऐसे घूमने के लिए निकल गए थे
और रात को तो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना था। तो बस गाइस इस तरह से क्या था कि गाइस आप ना मेरे वीडियोस को प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा प्यार देना, और अगर आप नए चैनल में जुड़े हो मेरे साथ, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। बहुत अच्छे अच्छे फैमिली व्लॉग्स मैं डालती रहती हूँ, और जो मेरी हॉबीज़ हैं, मैं मेरे को डेकोरेशंस वगैरह करना घर की, और मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक होम मेकर हूँ, तो लाइफ स्टाइल व्लॉग्स डालती हूँ मैं गाइज, है ना। तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले गाइज वीडियोज़ बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे ना जब जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के व्लॉगिंग करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ, ठीक है गाइज। और गाइज बस हम लोग यहाँ पे मंचिंग कर रहे थे, बस कुछ खाया पिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अब घर चले जाना था। और गाइज मेरा नेक्स्ट वीडियो एक सरप्राइजिंग वीडियो है, और इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज वीडियो है, गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी प्यार देना, और उस वीडियो को भी बहुत 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 ज़्यादा प्यार देना, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट सरप्राइज़ वीडियो क्या है। तो क्योंकि आप मेरी फैमिली हो ना, यूट्यूब फैमिली, तो मेरे को दिल करता है कि मैं अपनी हर चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है आपके साथ शेयर करूं। और बहुत सारी नेगेटिविटी है लाइफ में, बहुत सारे लोग मतलब नेगेटिव भी सोचते हैं, और जो नेगेटिविटी है, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसे नेगेटिव दिखाऊँ, या कभी आपको ऐसा डल फील हो या नेगेटिव फील हो, हमेशा मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाऊँ आप लोगों को, है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग हर कोई अपनी अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा बहुत तो हर इंसान को कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं, कभी अच्छे थॉट्स आते हैं, कभी बुरे थॉट्स आते हैं। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के चलोगे ना किसी भी सिचुएशन में, तो आप उस चीज़ को क्रॉस कर लोगे, मतलब है ना, उस नेगेटिविटी को से दूर भाग जाओगे, और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि खुश रहो हमेशा, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, और बेजुबान जानवरों से प्यार करो, और नेचर से भी प्यार करो, छोटों को भी सम्मान दो, बड़ों का आदर करो। लेकिन ये है कि अगर हम बड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि हम छोटों से बदतमीज़ी करेंगे, हमें छोटों के साथ भी वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बदले में प्यार दे, ठीक है। तो मतलब अगर आप बड़े हो ना, तो छोटों को दिखाओ कि बड़े कैसे प्यार करते हैं, अगर बड़े आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो छोटे भी आपसे वही चीज़ सीखेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात, बेजुबान जो होते हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, तो उनके साथ भी हमें बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए और प्यार से पेश आना चाहिए। तो गाइस बस अब रात हो चुकी थी और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, शायद मेरे मन में ना कभी कभी ऐसी बातें होती हैं तो मैं बोल देती हूँ, बड़ा कुछ आता रहता है लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ी सी मैं शाय हूँ। तो चलो गाइस, अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बस मैं आपसे ये कहती हूँ कि खुश रहो आप हमेशा, ठीक है। और बस गाइज अभी रात हो चुकी थी, हमें आते आते वापस, तो ये मेरे घर की तरफ जाता है रास्ता, तो अभी बस घर जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर विनर करेंगे अपना। वहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो माउंटेन के ऊपर मेरा घर है वहाँ पे। तो गाइज मैं अपने घर आई हुई थी, और यहाँ पे देखो एंट्रेंस में कितने अच्छे अच्छे ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं चाहती थी कि आपको अपने हिमाचल के घर का टूर दूं, लेकिन मैं नहीं दे पाई गाइस, क्योंकि टाइम कम था इस बार आने का, और नेक्स्ट टाइम आऊँगी पूरे घर का होम टूर दूंगी, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली जुड़ी है मेरे साथ मेरे चैनल में, उनको मैं एक टूर दूंगी अपने घर का बाद में। तो इस तरह से हमारा हाउस है, हिमाचली हाउस, यहाँ नीचे मम्मी पापा वगैरह हैं, एक फ्लोर ये है और एक टॉप फ्लोर ऊपर है। जय शिव भोले शंकर, जय माता रानी, वो देखो देखो मैं शुक्र। चलो चलो, ये तो बबरू का आटा है ना, दिखाओ, हो गया फर्मेंट इतना सारा, देखो कितने कितने ब्लैंकेट और शॉल डाले थे, ये सारा इसी है, और एक ब्लैंकेट डाला।
और यहाँ पे बनाया है मथुरा। तो गाइज ये बना है हमारा चंबियाली मथुरा। मथुरे का कलर बड़ा अच्छा है आएगा। कद्दू देना ना हमारी सारी फैमिली एक दूसरे के साथ पहाड़ी लैंग्वेज में ही बात करती है और मैं भी सबके साथ पहाड़ी भाषा में ही बात करती हूँ क्योंकि अपनी जो मातृभाषा है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन व्लॉग मैं हिंदी में बनाती हूँ। सो गाइज बस इसी तरह से बातें चल रही थी कुछ किचन में, तो आपको पता ही है ना घर की लेडीज़ कुछ बातें करती रहती हैं। हमारा प्यारा सा गुगू अपने रिएक्शन दे रहा है, इसको लेमन खिला रहे थे। तो गाइज़ हम यहाँ पे बना रहे थे बबरू, और बबरू के लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे सरसों के तेल में उनको बनाना पड़ता है और आटे को फर्मेंट कर लिया था, 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। तो गाइज़ ये जो शॉल वगैरह रखे हुए हैं ना, आप ये मत सोचना कि घर में हम किसी भी जगह पर यूज़ कर लेते होंगे, नहीं, ये सिर्फ कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये किचन में रखे होते हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड बनता है, फर्मेंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं जिसके लिए इनकी नीड बार बार पड़ती रहती है, तो ये अलग से हमने रखे होते हैं। और शॉल, ब्लैंकेट, क्योंकि वहाँ ठंड रहती है तो फर्मेंटेड चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए ना गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो बस गाइज़ यहाँ पे फूला फूला एक बबरू बन के रेडी हो गया है ना। और गाइज़ मुझे ये ना खीर के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज तो बने थे घर में पतरोड़ू, तो उसके साथ हम खाएंगे। पतरोड़ू बनेगा ना अभी, वो जो घिये के पत्ते दिखाए थे आपको मैंने, है ना, उसका पतरोड़ू बनाते होते हैं। तो गाइज़ मुझे अपना इस तरह का छोटा छोटा ऑर्गेनिक फूड खाना तो बहुत पसंद है गाइज़। वैसे तो सारे के सारे बबरू बन चुके थे, लेकिन मैंने सोचा एक दो बबरू मैं भी फ्राई कर लेती हूँ, तो बस यहाँ लास्ट के कुछ बबरू रह गए थे जिनको मैं फ्राई कर रही थी गाइस। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर करना है और कल हमारा जाने का टाइम आ रहा है, और अपने घर आके वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि मैं छुट्टियों में आती हूँ ना यहाँ पे, गर्मी की जब हमारी समर हॉलीडेज़ होते हैं मेरी डॉटर की, तो तभी आना हो पाता है। हेलो गाइज, यहाँ पतरोड़े बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। जो वो पत्ते थे उनको अच्छी तरह से पीस लिया गया था, उसमें लहसुन, थोड़ा सा कोई मसाला, सूखा मसाला, और साथ में हींग, इस तरह की चीज़ें डलती हैं, नमक डलता है ना, और साथ में ये बनते हैं वैसे मक्की के आटे के साथ, बट यहाँ पे मक्की का आटा भी मिल नहीं रहा था तो यहाँ पे हमने बेसन के साथ बनाए थे। और इसको बिल्कुल रोटी की तरह ऐसे बनाना होता है और इसको थोड़ा क्रिस्पी करना होता है, और इसको भी सरसों के तेल में तवे में ऐसे बनाया जाता है। और गाइज ये पत्ते एकदम ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि अभी पापा गए थे कहीं और वहाँ साइड पे लगे हुए थे, बस वहाँ से तोड़ के लाए हैं और फिर हमने यहाँ पे बस इनको अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद इनको बना दिया। और चाहे आप इसको चपाती के साथ खाओ, प्रॉन्टी के साथ खाओ, इन दोनों चीज़ों के साथ नहीं भी खाना है तो आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हो। तो देखो यहाँ पे गर्मा गर्म बबरू बनके हो गए हैं तैयार, और हमारा डिनर भी बस अब लग रहा है। और जो ये बबरू है ना, शॉल में ढक के रखने पड़ते हैं ताकि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सबके फेवरेट बबरू के साथ ये वाला पतरोड़ा जो है वो परोसा जाता है ना, और साथ में ये अष्टधातु के बर्तन में बना हमारा चंबा का राजमा का मदरा। कलर देखो आप इसका कितना ब्यूटीफुल आया है। तो चावल के साथ गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मदरा तो चावल के साथ ही गाया जाता है। और धाम में भी, चंबियाली धाम में सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो होता है हमारा ये राजमा का मदरा, चंबियाली मदरा। ठीक है गाइस, तो बस गाइस इसी तरह से हमारा डिनर विनर हुआ, मैंने अपना पहाड़ी फूड इंजॉय किया। और हर बार की तरह मतलब मैं जाती हूँ ना तो मुझे मम्मी को बोलती हूँ कि बस कुछ पहाड़ी ही बनाना, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली पहाड़ी खाना ही बनता है गाइस। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है कि सीजनल सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो नेचुरल जो जंगल में उगती हैं, है ना, तो वो खाते हैं हम लोग, पेड़ों पर उगती हैं। कुछ टाइम पहले
जैसे कि मानसून का टाइम होता है उस टाइम अलग तरह की सब्जियां होती हैं, और अभी के टाइम में अलग तरह की, पूरे साल कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है। तो बस गाइस, सबको बाय बोलने का टाइम आ गया था, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे है और बस अब हम चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट व्लॉग है ना गाइस, उसका भी वेट करना। और ये शिव जी भगवान और माता पार्वती जी का मंदिर है हमारे घर के साथ, और इसके बाद सरप्राइज़ वीडियो आने वाला है, बहुत अच्छा वाला गाइस। ठीक है, तो चलो इसको भी प्यार देना, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होएगा, और मेरा हिमाचल वाला घर, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे सब अच्छे लगे होंगे गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखना, और जाते जाते बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू लॉट।